Hi, good morning kids. Me Asha Rathod, and in this video we are going to learn our etiquette chapter number 2, personal hygiene and care. Are you all ready with me? Let's start our chapter. First is keep yourself always clean and tidy. Nowadays it is very necessary. What we have to keep ourselves clean and tidy. Okay, bath and shower regularly. हमें रोज नहाना है और हमें हमारे हैंड्स को फ्रिक्वेंटली वॉश करते रहना है. नाउ डेज वी ऑल आर नोइंग द कोरोना इज दैट, सो वी हैव टू टेक अ बाथ ट्वाइस इन अ डे एंड आफ्टर 20 मिनट्स, आफ्टर ईच एंड एवरी 20 मिनट्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वॉश अवर हैंड्स इन अ प्रॉपर वे, दिस वे, इन अ प्रॉपर वे. एंड वी हैव टू चेंज अवर क्लोथ्स regularly, okay? Whenever we are going outside and when we come back at home, at that time we should take a bath and we have to change our clothes. Always have a keep smiling appearance and pleasant manner. बहुत बेचारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो क्राइम करते रहते हैं, ऐसे चिल्ला करके बैठ जाते हैं, तो ऐसे बच्चे किसी को पसंद आते हैं नहीं. तो हम कहीं पर भी जाए, किसी से भी मिले, ऑलवेज स्माइलिंग के साथ मिलना है. हमारे तरफ से क्या होना चाहिए, बड़ी सी स्माइल. ओके, तो सबको हम पसंद भी आते हैं. एंड हैव अ प्रॉपर हेयर कट. हमारे हेयर भी जब बढ़ गए हैं तो क्या करना है, एकदम प्रॉपर वे से कट करवाने हैं. उसमें रोज वॉश भी करना है, हेयर ऑयल अप्लाई करना है और उसको प्रॉपरली कॉम करना है, नीटली परफेक्टली कॉम करना है. नाउ यू आर ग्रोन अप, सो नाउ यू ऑल्सो हैव टू लर्न हाउ टू कॉम अवर हेयर. ओके, देन कीप योर शूज क्लीन बाय ब्रशिंग, पॉलिशिंग एंड वॉशिंग. हम क्या करते हैं, स्कूल में आते हैं या फिर बाहर जाते हैं तो हमारे शूज लाइक डर्टी हो जाते हैं. व्हाट वी हैव टू डू, नाउ वी हैव टू लर्न हाउ टू वॉश अवर शूज. हमें उसको पॉलिश करना है और क्लीन रखना है. वी हैव टू चेंज अवर सॉक्स. सॉक्स सबसे ज्यादा गंदी हो जाते हैं, उसमें बैड बैड स्मेल भी आती है, तो हमें वो फ्रिक्वेंटली चेंज करना है. Then always keep a clean handkerchief in your pocket and properly folded. So when school में आते हैं तो मैम used to tell you ना that we are having a two handkerchief, because now you all are very much small ना, तो हमारे पास कितने हैंकी होने चाहिए, दो, और वो भी कैसे है, properly folded होने चाहिए. And बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, अपने जो नेल होते हैं वो कैसे कट करते हैं, टीथ से कट करते हैं. और मम्मी को तो नेल कटर की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि वो तो हर रोज ऐसे कट करके नेल कट कर देते हैं, बट वो भी बैड हैबिट्स है. इसमें क्या होता है, हमारे फिंगर में जो जम्स लगे हैं वो अगर हम मुँह में लगाएंगे तो जो सारे जम्स हैं वो स्टमक में चले जाते हैं. फिर हम बोलते हैं ना, मम्मा स्टमक पेन हो रहा है, तो ऐसे नहीं करना है. हमें मम्मा को ही बोलना है, जब नेल्स कट करना है तो मम्मा को बोलना है, मम्मा प्रॉपरली नेल कट कर दो. ओके, then we have to wash our hands before eating and after meal, before meal and after meal. हमें खाना खाने से पहले भी हमारे हैंड वॉश अच्छे से करना है और लंच और डिनर के बाद भी हमें हमारे हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करना है. वैसे टेप के नीचे से हाथ रख के चले आना, ऐसे वो हैंड वॉश नहीं हुआ. और जब हम स्नीज करते हैं, कफिंग करते हैं, यॉन करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारा फेस, वी हैव टू कवर आवर माउथ विद द हैंड और विद द हैंकी. व्हेनेवर वी आर लाइक यूजिंग टू स्पिट, हमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो रोड पे जाते हैं तो भी यहाँ वहाँ थूक देते हैं, स्पिट करते हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ वहाँ नहीं करना है, सिंक में ही करना है. एंड व्हेनेवर वी आर वॉकिंग, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब वो चलते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदी आवाज़ आती है, वो अपने लेग को ड्रैग करके चलते हैं, आवाज आती है ना कट 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 कट, तो वो बेस्ट नहीं चल रहा है. हमें हमारे लेग को प्रॉपरली करके प्रॉपर वे में वॉक करना है. देन पुट योर डर्टी क्लॉथ्स इन ए लॉन्ड्री बास्केट और बैग. हम कहीं पे भी हमारे व्हेनेवर वी आर चेंजिंग अवर क्लॉथ्स, व्हाट वी आर यूज्ड टू डू दैट, जस्ट वी आर थ्रोइंग अवर क्लॉथ्स, लाइक हम कहीं पे भी हमारे कपड़े फेंक देते हैं, तो नो दिस इज अ बैड हैबिट. हमें हमारे मम्मा को पूछना है, हमारे जो भी मम्मा ने बताया है, हमारे जो भी डर्टी क्लॉथ्स है हमें वहीं पे ही रखने हैं. ओके, सो व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर, वी हैव लर्न अवर पर्सनल केयर एंड हाइजीन. नाउडेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू ऑल हैव टू डू इट. ओके, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग. थैंक यू.